दो नई बहू का हुआ स्वागत। कैलाश ओपीडी के बाहर खड़ा होता है, तभी ओपीडी के अंदर से दो बच्चों के रोने की आवाज आती है। तभी ओपीडी के अंदर से डॉक्टर निकलकर बाहर आते हैं और कैलाश से कहते हैं, मुबारक हो, आपकी दोनों पत्नियों को बेटे हुए हैं। ये सुनते ही कैलाश बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों पत्नियों के पास जाता है और अपने बच्चों को प्यार करता है, जिसके बाद वह अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नियों को अपने घर ले आता है। उसकी एक पत्नी दिव्यानी बहुत ज्यादा खड़ूस और चालाक थी, वहीं उसकी पत्नी पार्वती बहुत सीधी सादी सिंपल थी। वो सबके बारे में अच्छा ही सोचा करती थी। देखते ही देखते कैलाश के दोनों बेटे अब शादी के लायक बड़े हो जाते हैं। ये वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर गया मुझे समझ ही नहीं आया। तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि अब हमें तुम दोनों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढनी है। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस घर में बहू तो आएगी जो हमारी माँ की सेवा पानी करेगी। अरे अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी, अभी हमारी शादी करने की जरूरत ही क्या है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। बेटा, अब तुम दोनों की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इस घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बहू का होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर कैलाश अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देता है, जिसके बाद कुछ ही समय में उसे एक ही घर से दो बेटियों का रिश्ता आता है। अरे पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब दो बहनें इस घर में आएंगी तो एक साथ अच्छे से रहेंगी। कैलाश मधु और दृष्टि से अपने बेटों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद मधु और दृष्टि दोनों की सास उनके साथ बहुत अलग व्यवहार करती है। पार्वती अपनी बहू मधु के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है और उसके साथ बहुत प्यार प्रेम से रहती है। अरे बहू, तुम अकेले खाना बना रही हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सारे काम अपने आप ही कर लूंगी। मधु के कई बार मना करने के बाद भी पार्वती मधु की पूरी मदद करवाती है और सारे काम वह दोनों सास बहू मिलकर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि आंगन में बैठकर बर्तन धो रही होती है, जिसके चलते दिव्यानी ढेर सारे बर्तन लाकर उसके सामने इकट्ठे कर देती है। समय से इन सभी बर्तनों को अच्छे से धो देना, मैं नहीं चाहती कि किसी भी बर्तन में थोड़ी सी भी धूल मिट्टी जमी हो। बर्तनों को सफाई से धोना तुम्हारी जिम्मेवारी है। दिव्यानी के जाने के बाद दृष्टि अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसा क्यों करती है मेरी सास, जबकि मधु की सास उनके साथ कितने अच्छे से रहती हैं और उनका ख्याल भी रखती हैं। मेरी बहन के साथ इतना अच्छा व्यवहार होता है और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों होता है? ऐसा सोचकर दृष्टि रोने लगती है, जिसके बाद मधु वहां पर आ जाती है और उसे रोता हुआ देख उससे कहती है, अरे मेरी बहन, तुम अकेली यहां क्या कर रही हो? मुझे बुला लिया होता, मैं तुम्हारी मदद कर देती। मधु दृष्टि के साथ बैठकर उसके सारे बर्तन धुलवा देती है, जिसके बाद वह दृष्टि का आधे से ज्यादा काम मिल बांटकर करवाती है। भगवान की दुआ से मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। अरे वो तो सारे काम मिल बांटकर करवाती हैं और जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। मेरी सास तो मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी सारे काम मुझसे ही करवाती हैं। तभी दिव्यानी के चिल्लाने की आवाज आती है, अरे दृष्टि, कहाँ हो तुम, जल्दी से यहाँ पर आओ। ऐसे ही दृष्टि दिव्यानी के पास जाती है, वह उससे चिल्लाते हुए पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? ये कोई धर्मशाला है जहाँ तुम रहने आई हो? अरे तुम्हारी माँ का घर नहीं, ये तुम्हारा ससुराल है, अगर यहाँ रहना है तो सारे काम तौर तरीके से करने होंगे। दिव्यानी के इस तरह के बर्ताव से बेचारी दृष्टि रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मधु भी कुछ नहीं कह पाती। तभी वहाँ पार्वती आती है और दिव्यानी से कहती है, अरे दिव्यानी, इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रही हो बेचारी बच्ची पर? अगर ऐसे बर्ताव करोगी तो वो किस तरह घर के सारे काम करेगी और कैसे सभी जिम्मेदारियों को समझेगी? आप बीच में मत पड़िए दीदी, ये मेरी बहू है, मैं अपने आप देख लूंगी। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बस बस, एक शब्द और नहीं, मैं किसी की भी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। जाओ और अपने काम देखो, और तुम दृष्टि, ध्यान से मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीकों को अच्छे से सीख लो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी। ऐसा कहकर दिव्यानी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद पार्वती दृष्टि को गले से लगाती है और कहती है, अरे बहू चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दृष्टि अपने सास के बताए हुए काम को करने के बाद ही अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। ऐसे ही रोजाना दिव्यानी दृष्टि के ऊपर बहुत हुक्म चलाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती अपनी बहू मधु को एक बेटी की तरह रखती, जिसके चलते मधु बहुत खुश रहती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से दिव्यानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, एक काम करती हूँ, उन्हें बढ़िया सा काढ़ा बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उनकी मदद करने की, चलो अपने कमरे में जाओ और आराम करो।
पार्वती मधु को दिव्यानी की मदद करने नहीं देती। ये सब दृष्टि देख लेती है, जिसके बाद वो खुद काढ़ा बनाकर अपनी सास दिव्यानी को देने के लिए जाती है। दिव्यानी की तबीयत खराब होने के बाद घर में से कोई भी उसे देखने नहीं आता, यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसे देखने नहीं आता, लेकिन दृष्टि उसकी मदद करती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। माँ जी, ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। दृष्टि का इतना अच्छा व्यवहार देखकर दिव्यानी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह कहती है, इस पूरे घर में मेरे बर्ताव के चक्कर में किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और कोई मेरे पास नहीं आया, यहाँ तक कि खुद मेरा बेटा भी मेरे पास नहीं आया, लेकिन तुमने मेरी इतनी मदद की और सुबह शाम मेरी सेवा भी की, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं जानती हूँ कि मुझे माफी तो नहीं मिल सकती, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी माँ जैसी हो, आपकी देखरेख करना तो मेरा कर्तव्य है। अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो मैं उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करती। दृष्टि की बात सुनते ही दिव्यानी उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से दिव्यानी का बर्ताव दृष्टि को लेकर बहुत बदल जाता है और वह उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखने लगती है, जिसके चलते उनके घर में एक दिन पार्टी होती है और कैलाश अपने पूरे परिवार से कहता है, आज मुझे बहुत खुशी मिली है क्योंकि मेरी दोनों पत्नियां अपने दोनों बहुओं को बहू नहीं बल्कि बेटियां समझती हैं। कुछ ही समय में मैं दृष्टि ने मुझे इतना बदल दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा हुआ कि दृष्टि मेरी बहू बनकर इस घर में आई। तभी दिव्यानी अपना सबसे फेवरेट वाला हार दृष्टि को देती है और कहती है, बहू आज से ये हार तुम्हारा हुआ। अपनी सास का इतना प्यार देखकर दृष्टि बहुत खुश होती है। अब वह पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिवन्या की अभी अभी शादी हुई थी, उसे लाल जोड़ा बहुत पसंद था। वो शादी के बाद भी हर दम लाल जोड़ा पहनकर तैयार होया करती थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू ये क्या, आज तूने फिर से लाल जोड़ा पहन लिया, ये क्या तू रोज रोज अपना लाल जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। माँ जी, मुझे लाल जोड़ा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे पहनकर अपने आप को देखती रहती हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे अपना चेहरा अपनी माँ की तरह लगता है। जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझ में मेरी माँ की झलक दिखाई देती है। अरे वो तो शुक्र मना कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं, भगवान को प्यारी हो गई है, नहीं तो तू अपनी माँ की चमची बनी रहती। सुलेखा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद भी शिवन्या को अपनी सास की कही बात का कोई बुरा नहीं लगता और वो अपना लाल जोड़ा पहनकर अपने आप को शीशे में देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुलेखा शिवन्या से कहती है, आज हम लोग मेरी सहेली के घर जा रहे हैं, इसलिए थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लेना। अच्छा माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना लाल जोड़ा पहन लेती हूँ, मैं उसमें बहुत प्यारी लगती हूँ। हाँ बहू, तूने सही कहा, लाल जोड़ा पहनकर तू लाल घोड़ी बन जा। शिवन्या अपनी सास सुलेखा की बातें सुनने के बाद हंसने लगती है। अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, अगर आप मुझे लाल घोड़ी कहकर बुलाओगी तो लोग क्या सोचेंगे। अरे बहू, पहले तो तू ये सोच के लोग तुझे इस प्रकार लाल जोड़ा रोज रोज पहनते हुए देखेंगे तो क्या सोचते होंगे। सुलेखा के कई बार समझाने के बाद शिवन्या नॉर्मल कपड़े पहनकर सुलेखा की सहेली के घर पहुंच जाती है। सुलेखा की सहेली विनीता सुलेखा से कहती है, अरे सुलेखा बहन, ये देख तो जरा, मैंने अपनी बिटिया अरुणा के लिए शादी का जोड़ा खरीदा, ये लाल जोड़ा तुझे कैसा लग रहा है। अरे बहुत खूबसूरत है, इतना प्यारा लहंगा तो मैंने कभी नहीं देखा, काफी महंगा होगा। अरे महंगा तो है ही, पूरे 50,000 रुपए का है। हाँ हाँ सही कहा तूने, इसकी कीमत तो दिख ही रही है। सुलेखा और विनीता दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी शिवन्या लाल जोड़े को हाथों में पकड़कर बहुत खुश होती है और उसे अपने ऊपर लगाकर देखती है। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा लाल जोड़ा है, इतना प्यारा लहंगा और इतनी प्यारी चोली मैंने कभी नहीं देखी, क्या सुंदर लग रहा है। अरे मेरे ऊपर तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। शिवन्या का ये बर्ताव देखकर विनीता को थोड़ा अजीब लगता है। तभी सुलेखा कहती है, हे भगवान, बहू तू ये क्या कर रही है, ये किसी और का लाल जोड़ा है, किसी और का लहंगा है, चुपचाप इसे यहीं रख दे। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर शिवन्या आराम से लहंगे को रख देती है और चुपचाप बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में शिवन्या अपनी सास सुलेखा के साथ उसी लड़की की शादी में आती है, जिसके बाद शिवन्या दुल्हन के कमरे के अंदर उसका लाल लहंगा रखा हुआ देखती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत है ये लाल लहंगा। शिवन्या को लहंगा इतना पसंद आ जाता है कि वो चोरी छुपे खिड़की से उस लहंगे को चुरा कर अपने घर रख लेती है और वापस शादी में आ जाती है। शादी में आने के बाद अचानक से विनीता की बेटी अरुणा जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरा लहंगा कहीं दिख नहीं रहा, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी, मेरा लहंगा कहाँ गया।
अरुणा अपनी माँ विनीता के साथ मिलकर यहाँ से वहाँ लहंगा ढूंढती है, लेकिन उसे लहंगा कहीं नजर नहीं आता। आखिरी में बेचारी अरुणा को अपनी माँ विनीता की शादी का लहंगा पहनना पड़ता है। देखते ही देखते शादी निपट जाती है और सुलेखा अपनी बहू शिवन्या के साथ वापस घर लौट आती है। हे भगवान, कितनी विचित्र बात है, किसी ने दुल्हन का लहंगा ही चुरा लिया, आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है। सुलेखा ये कह रही होती है कि तभी शिवन्या मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन सोचती है, अरे माँ जी, आपको क्या पता, ऐसा महान काम सिर्फ इस दुनिया में एक ही लड़की कर सकती है, और वो खुद आपकी बहू है। मैंने ही तो उस बेचारी का लहंगा चुराया था, आखिर इतना खूबसूरत लहंगा मैं छोड़ भी कैसे सकती थी। अरे बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा क्यों रही है, जा मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आ। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ माँ जी। शिवन्या अपनी सास सुलेखा को एक गिलास पानी देने के बाद अपने कामों में लग जाती है। ऐसी सुलेखा शिवन्या को अपने साथ किसी भी शादी में लेकर जाती, शिवन्या दुल्हन का लहंगा ही चुरा लेती, जिसके चलते पूरे मोहल्ले में लहंगा चोर का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन शिवन्या की सहेली की शादी होती है, शिवन्या अपनी सहेली अनुराधा के पास जाती है। अरे अनुराधा, क्या बात है, आज तो तेरी शादी है, तेरे चेहरे पर कोई निखार नहीं दिख रहा। अरे निखार रहेगा भी कैसे, तू तो जानती है आजकल चारों तरफ खबर फैली है, जिसकी भी शादी होती है लहंगा चोर उसकी शादी में आता है और लहंगा चुरा कर ले जाता है, आखिर पता नहीं क्यों लहंगा चोर ऐसा कर रहा है। शिवन्या हंसते हुए कहती है, लगता है लहंगा चोर को लाल जोड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद है, तभी वो लहंगा चुरा रहा है। वैसे तेरा लहंगा कहाँ है, जरा दिखा तो सही, तूने कहाँ छुपा रखा है। तभी अनुराधा अपना लहंगा निकालकर शिवन्या को दिखाती है, जिसे देखकर शिवन्या की नियत अपने दोस्त अनुराधा के लहंगे पर भी फिसल जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा लहंगा है तेरा, कसम से ऐसा लहंगा तो कोई भी चुरा ले, तू अपना लहंगा संभाल कर रखियो, कहीं लहंगा चोर तेरा लहंगा चुरा कर ना ले जाए। ऐसा कहकर शिवन्या बाकी के मेहमानों के पास चली जाती है और बातें करने लगती है, लेकिन शिवन्या मौका देखते ही बेचारी अनुराधा का लहंगा चोरी कर लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। रात का समय होता है, जैसे ही चोरी छुपे शिवन्या घर के अंदर घुसती है, उसके साथ सुरेखा अचानक से घर की लाइट्स ऑन करती है। अरे बहू, तू तो अपनी सहेली की शादी से कल आने वाली थी, लेकिन इतनी जल्दी और वो भी इतनी रात में कैसे आ गई। शिवन्या अपनी सास को देखकर डर जाती है और वो अपना चोरी किया हुआ लहंगा पीछे छुपाने लगती है। अरे बहू, ये तेरे हाथों में क्या है। कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। सुलेखा शिवन्या के मना करने के बाद भी उसके हाथ में लहंगा देख लेती है, जिसके बाद सुलेखा को ये समझने में देर नहीं लगती कि शिवन्या ही वही चोर है जिसने अभी तक सबके लहंगे चोरी किए हैं। अरे बहू, ये तूने क्या किया, तू लड़कियों के लहंगे चोरी करती है, अरे तुझे तो शर्म करनी चाहिए, तू जानती भी है एक शादी के लहंगे से एक लड़की के कितने अरमान होते हैं, तू तो उन सभी लड़कियों के अरमान तोड़ देती है, तुझे तो अपनी बहू कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, जरा सोच उन बेचारी होने वाली सुहागनों के दिल पर क्या बीती होगी। माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे लाल जोड़ा इतना पसंद कि मुझसे रहा ही नहीं जाता और मैं उसे चोरी करने लगती हूँ। अरे बहू, तू दूसरे की सुहाग की निशानी चुरा रही है, भगवान ना करे कल को कहीं भगवान ने तेरा सुहाग ही तुझसे चुरा लिया तो क्या करेगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनते ही शिवन्या के हाथों से लहंगा नीचे गिर जाता है और वो अपनी सास के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं फिर दोबारा कभी किसी का लहंगा चोरी नहीं करूंगी और मैं इस लहंगे को भी वापस अनुराधा के घर छोड़ आऊंगी। ऐसा कहकर शिवन्या वापस से रोते हुए अपनी सहेली अनुराधा का लहंगा चोरी छुपे उसके घर वापस रखाती है और उस दिन के बाद से वो कभी किसी का लहंगा नहीं चुराती। हाय री, नहीं बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने रसोई की, जितने का तूने खाना नहीं बनाया उससे बढ़कर तो रसोई बिखेर दी। ये है शर्मिला देवी, जो कि दिल्ली शहर में अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। कहने को तो परिवार के मुखिया मनचंद थे, मगर शर्मिला देवी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। दोनों का इकलौता बेटा था आनंद, जिसकी शादी एक दिन पहले ही परिधि से हुई थी, जिसके बाद शर्मिला बन गई बेटे की माँ से बहू की सास। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी सारे सामान को दराज में रख देती हूँ। बेचारी बहू सास के डर से हड़बड़ाती हुई रसोई समेटने लगती है। कुछ देर बाद बहू मेज पर खाना परोसती है। सास एक निवाला खाकर खाने में नुस्क निकालते हुए कहती है, हाय री, अरे बहू ये कैसा बेढंगा खाना बनाया है तूने, दाल सब्जी नमक मिर्च से भरी हुई है और दाल एकदम पानी के जैसे पतली है और रोटियों का तो हिसाब कोई नहीं, जलकर कोयला हो गई हैं। अरे तेरी माँ ने खाना बनाना सिखाया नहीं था क्या। सास के सवाल के आगे बेचारी बहू की बोलती बंद हो जाती है। तभी मनचंद बोलता है,
अरे भाग्यवान, जरूर तुम्हारी जुबान कड़वी हो गई है, तभी तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा, वरना तुम इतने स्वादिष्ट खाने में नुस्क नहीं निकालती। हाँ माँ, परीदी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, फिर भी आप बेचारी को खाने के ऊपर खरी खोटी सुना रही हैं। बहू की तरफदारी सुनकर सास गुस्से से सुलगती हुई कहती है, तुम दोनों बाप बेटों के आगे तो घास फूस भी परोस दो तो वो भी तुम्हें अमृत लगेगा। आखिरकार दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हो। तुझे सिर्फ अपनी सास की बात सुननी है बहू, और मुझे ज्यादा मिर्च मसाले से बना खाना पसंद नहीं है। आगे से ध्यान रखना और अभी मेरे लिए कुछ और बना। ठीक है माँ जी। दिन बीतते हैं जिसके साथ बढ़ती है सास की बहू पर बंदिशें। एक दिन की बात है, सास गुस्से से गरजते हुए बहू को बुलाहट देती है, परिधि बहू। अरे ओ परिधि बहू, अरे ओ बहरी बहू, जिंदा है कि निपट गई नासपीटी? जी माँ जी, बुलाया आपने। कौन से ख्यालों में खोई थी जो सास की आवाज सुनाई नहीं दी? वो माँ जी, मैं रसोई में बर्तन मांज रही थी इसलिए सुना नहीं। सुना नहीं या फिर जानबूझकर सास की बात अनसुनी कर दी? आइंदा से मेरे एक बुलाहट पर तुम मेरे सामने खड़ी नहीं मिली ना बहुरानी, तो फिर अच्छा नहीं होगा, समझी? जी माँ जी, समझ गई। बहू बेचारी कामों में लग जाती है, तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? क्यों री मेरी बेशरम बहू, शहर में जाकर सास की आवाज भी भूल गई? अरे बेटे के ब्याह को 2 महीने बीत गए, जल्दी से मेरी पोता बहू को लेकर गांव चली आ, वरना दिल्ली इतनी भी दूर नहीं कि दुलारी ना आ सके। इतने में फोन कट जाता है। रात में जब ससुर और पति घर आते हैं तो सास का परेशान मुंह देखकर ससुर पूछता है, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? गांव से तुम्हारी माँ का फोन था, बहू से मिलने के लिए हमें गांव बुला रही हैं। अरे अच्छा ही तो है, बरसों से हम गांव नहीं गए, बहू के बहाने हमारी भी गांव के माटी से भेंट हो जाएगी। अरे मगर मुझ बहू का हाल तो बेहाल हो जाएगा। अरे वो तो फोन पर ही ताने बाने की बौछार कर रही थी, सामने देख कर तो दाना पानी लेकर चढ़ बैठेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भगवान, मुझ पर भरोसा रखो। देर रात सभी गांव के लिए पैकिंग करते हैं और अगली सुबह की ट्रेन से सास अपने ससुराल सहारनपुर आती है, जहां खड़ी बूढ़ी दुलारी कहती है, क्यों री मेरी बेशरम बहू, सालों बाद ससुराल आ ही गई, निकम्मी नास पीटी, अब कड़ी क्या है अपनी सास के पैर छू। पाए लागू माँ जी। ससुराल में आते ही अपनी सास का बदला शांत अवतार देख कर बहू फुसफुसाती हुई अपने पति से बोलती है, आनंद ये माँ जी चुपचाप होकर उनकी चिल्लाहट क्यों सुन रही हैं? अरे अपने पति से क्या पूछती हो बहू, मैं बताती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी सास की सास हैं और ये तुम्हारी सास का ससुराल, और सास के सामने तो अच्छी खासी बहुएं भी भीगी बिल्ली बन जाती हैं। अरे मेरी पोता बहू, तू मेरे पीछे क्यों खड़ी है, जरा यहाँ तो आ। प्रणाम दादी माँ। अरे जुग जुग जी बहू, देख ले मेरी नकारी बहू, सास बनकर भी शहर जाते संस्कार भूल गई, सीख अपनी बहू से, क्यों री करम जली शर्मीली, मेरे पोते बहू से पहाड़ तोड़ने जितना काम करवाती थी, जो बहू बेचारी इतनी कमजोर हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है सासू माँ, अरे मैंने अपनी बहू पर भला कोई बंदिश थोड़ी लगा रखी थी। अरे बहू तो चुप क्यों है, बतलाना माँ जी को। हाँ हाँ दादी माँ, सासू माँ सही कह रही हैं। अरे परिधि बहू, तुझे अपनी सास के हक में झूठी सफाई पेश करने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ अपनी बहू के काम चोरी के किस्से से बेखबर नहीं है और उनकी देवरानी भी नहीं। बस मैं इस घर की मुखिया हूँ, इसीलिए कान खोल कर सुन ले कि बहू अगले 10 दिनों तक यहाँ रहकर तू बतौर बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाएगी, जाकर अभी से रात के खाने की तैयारियों में जुट जा। अपनी बूढ़ी सास के सामने बेचारी बहू की बोलती बंद हो जाती है और वह अकेले ही ससुराल के सभी सदस्य के खातिर खाना बनाती है। माँ जी खाना तैयार हो गया है। अरे तो क्या हम चूल्हे पर ही चढ़कर खाना खाएंगे, अरे थाली में परोस तो सही कमबख्त। सास की झड़प सुनकर शर्मिला सभी के लिए खाना परोसती है और जैसे ही बारी बहू की आती है तो सास मन में बुदबुदाती है, यही दिन देखना बाकी रह गया था, ये सास अकेले सारा काम कर रही है और मेरी इस बहू को इतना भी मन नहीं कर रहा कि सास के काम में जरा हाथ बटा दे। दिन बीतते जाते हैं जिसके साथ ससुराल में सास की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। बहू, अरे ओ शर्मीला बहू कहाँ है? अब क्या हुआ सासू माँ, क्यों घनघोर घटाओं की तरह गरज रही हो? अपनी सास के सामने इतनी ऊंची आवाज में झझकते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही?
मेरी बेशरम बहू, शायद तेरे अंदर से सास के तेवर आ गए हैं, मगर भूल मत, सास तू अभी बनी है मगर बहू तू बरसों पहले बनी थी। ये कटहल उठाओ और इसे अच्छे से काट कर धोकर कोफ्ते बना। और हाँ, आज अगर तेरी सास को खाने में स्वाद नहीं आया ना, तो तेरी खैर नहीं बहू रानी। सास के सब्र का बांध जवाब दे जाता है और वह बोल पड़ती है, माँ जी अब क्या आपके स्वाद के लिए अपना गला घोट दूं? आपको खुश करने के लिए मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी आप कोई ना कोई कमी निकाल ही देती हैं। अरे चुप कर बेशरम, ये तेरा मायका नहीं है जो मन मौजी के जैसे पटर पटर किए जा रही है। ससुराल शासन का नाम है, समझी? दुलारी के शब्दों के सामने बहू की बोलती बंद पड़ जाती है। वो अकेले ही काम करने लगती है। तभी परिधि बहू उसका हाथ बटाने लगती है। लाइए माँ जी, कटहल मैं काट देती हूँ, आप परेशान मत होइए। अपनी बहू को ससुराल में साथ खड़ा देखकर सास के आंखों के आगे बीते हुए दिनों की छवि छिटक पड़ती है। बहू हर एक कामों में अपनी सास का बढ़ चढ़ कर मदद करती है, जिसे देखकर सास का मन पसीज पड़ता है और वो बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे, मैं ससुराल नहीं आती तो शायद तेरी परेशानी समझ ही नहीं पाती, मगर जब मुझ पर ससुराल की जिम्मेदारी और सास की बंदिश पड़ी तब याद आया कि बहू बनना कितना मुश्किल है। तू तो अपनी जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, मैं ही बेवजह तेरे किए में नुस्ख निकालती थी, मगर आज जब समय मेरे साथ वही दोहरा रहा है तब पता चला। माँ जी मेरे लिए यही काफी है कि आप मुझे देर से ही सही समझ पाई, मैंने तो पहले दिन से ही आपको माँ मान लिया था, बस आप ही मुझे बहू से बेटी नहीं बना पाई, मगर आज मेरी वो अधूरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इस तरह सास को अपने ससुराल में बरसों बाद बहू की जिम्मेदारी निभाकर बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद वह अपनी बहू के कामों में कमी निकालने के बदले उसका हाथ बटाने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हरिपुर के छोटे से गाँव में कई सारे मछुआरे रहा करते थे और मछुआरों के बीच में एक चंदन नाम का मछुआरा रहता था। चंदन की एक पत्नी जिसका नाम रुचिका था और उसका एक बेटा था जिसका नाम राजू था। चंदन बहुत गरीब था, यहाँ तक कि वह समुद्र से मछली पकड़ने जाया करता था, लेकिन मछली पकड़ने के बाद भी लोग उससे मछलियाँ खरीदते ही नहीं थे, जिसके चलते उसे मछली बेचने दूसरे गाँव जाना पड़ता था। एक दिन चंदन समुद्र के बीचों बीच मछलियाँ पकड़ रहा होता है। अरे ये क्या, इतनी देर हो गई है, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी, अगर ऐसे ही रहा तो शाम को खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। काफी देर बाद जाकर चंदन कुछ मछलियाँ पकड़ पाता है, जिसके बाद चंदन उन मछलियों को लेकर घर जाने लगता है। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो दूसरे गांव में जाने में काफी देर हो जाएगी। चंदन दूसरे गांव में पहुंच जाता है और वहां अपनी मछलियों को बेचने लगता है। कुछ लोग चंदन के पास आते हैं और उससे उसकी मछली खरीदने लगते हैं। अरे भैया ये मछली कितने की है? 150 की छोटी और बड़ी वाली 200 की। अरे भैया बहुत ही महंगी लगा रहे हो, अगर 200 की सारी दे दोगे तो मैं खरीद लूंगा, वैसे भी अब रात बहुत हो गई है, कौन खरीदेगा तुम्हारी ये मछलियाँ। ये आदमी ठीक ही कहता है, ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। चंदन उसे अपनी मछलियाँ 200 में बेच देता है, जिसके बाद वो कुछ राशन खरीद लेता है और घर के लिए निकल जाता है। रात को जब चंदन वापस घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी रुचिका उसे कहती है, अजी अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, घर में राशन खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। पिताजी पिताजी आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बेटा मुझे माफ करना, मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे खाने के लिए कुछ ना कुछ तो बना ही देगी, ये ले रुचिका थोड़ा सा राशन लेकर आया हूँ, अब जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो। चंदन के हाथों से राशन लेकर रुचिका खाना बना लेती है और वहीं दूसरी तरफ चंदन दिन भर की मेहनत करने के बाद अपने हाथ मुंह धो लेता है। वहीं दूसरी तरफ खाना बनाने के बाद रुचिका अपने पति चंदन और अपने बेटे राजू को खाना परोस देती है। पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर सो जाता है, जिसके बाद अगले दिन चंदन फिर से समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ने लगता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे मछलियां बेचकर कोई फायदा नहीं होता, जितना भी कमाता हूँ वो सब खाने में ही चला जाता है, अभी मुझे राजू की पढ़ाई भी देखनी है। तभी उसके कांटे में एक मछली फंस जाती है। अरे वाह ये मछली तो कोई बड़ी मछली लग रही है, जल्दी से इसे खींच लेता हूँ। चंदन मछली को खींचने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाता है, लेकिन मछली बाहर ही नहीं आती। अरे इसमें कितनी बड़ी मछली हाथ लगी है,
जो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। जैसे ही चंदन मछली को बाहर निकालता है, वो एक बहुत बड़ी मछली होती है। क्या बात है, मेरी तो लॉटरी लग गई, इतनी बड़ी मछली तो मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी। वो सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से मछली बोल पड़ती है, देखो मुझे मारना मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चंदन मछली को बोलता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, तुम तो बोल सकती हो। हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं कई समय से देख रही हूँ कि तुम रोज यहाँ मछली पकड़ने आते हो, लेकिन तुम सही से मछली पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि मैं तुम्हारे कांटे के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ, और जो मछली तुम्हारे कांटे में फंस जाती है उसे निकाल देती हूँ। ऐसा करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? ताकि तुम किसी बेजुबान जानवर को मारो ना। अगर तुम मछली पकड़ना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत मालामाल कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे भी नहीं मारोगे और ना ही मछलियाँ पकड़ोगे। चंदन मछली की बात सुनकर उससे कहता है, ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी मछली को नहीं पकड़ूंगा और ना ही तुम्हें मारूंगा। ठीक है, फिर तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मछली के इतना कहने के बाद चंदन उस मछली को अपने साथ अपने घर ले आता है। इतनी बड़ी मछली देखकर रुचिका चंदन से कहती है, अरे भाग्यवान गुस्सा क्यों होती हो, अभी देखती जाओ आगे क्या होता है। ये कहने के बाद ही चंदन जादुई मछली से कहता है, देखो जैसा कि तुमने कहा था मैं तुम्हें घर पर ले आया हूँ, अब तुम अपना जादू दिखाओ। चंदन के इतना कहते ही वो मछली हीरे में बदल जाती है। देखते ही देखते वो बिल्कुल हीरे की तरह दिखने लगती है और उसके मुंह से असली हीरे निकलने लगते हैं। अरे वाह, इतने सारे हीरे, ये मछली हीरे देती है? हाँ हाँ, ये एक जादुई मछली है जो हीरे देती है। अपने मुंह से कई सारे हीरे निकालने के बाद मछली अपने असली रूप में आ जाती है और चंदन से कहती है, आप फौरन मुझे वापस समुन्द्र में छोड़ आओ, नहीं तो मैं यहाँ पर जीवित नहीं रह पाऊंगी और अगली बारी तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगी। चंदन फौरन मछली को उठाता है और उसे समुद्र में छोड़ आता है। ऐसे ही अब हर रोज वो जादुई मछली को अपने पास लेकर आता है और उससे हीरे मांगता है, जिसके चलते अब उसकी आर्थिक अवस्था बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो एक अच्छे से घर में रहने लगता है। गाँव के सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं, आखिर कौन सी वजह है जिसके चलते ये चंदन इतने पैसे वाला हो गया है। मैं तो कहता हूँ हमें इसके बारे में पता लगाना होगा, आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अरे कल तक तो ये एकदम फकीर था, आज अमीर कैसे हो गया? आज की रात हम इसके ऊपर निगरानी रखेंगे। गांव के सभी लोग चंदन और उसके परिवार के ऊपर निगरानी रखने लगते हैं, जिसके बाद चंदन शाम होने के बाद समुद्र के बीचों बीच आता है और वहाँ से जादुई मछली को अपने घर ले आता है। चलो जादुई मछली, अब अपना कमाल दिखाओ और हमें हीरे दे दो। इतना कहते ही जादुई हीरे की मछली हीरे में बदल जाती है और अपने मुंह से कई सारे हीरे उगलने लगती है। ये सब गांव के सभी लोग देख लेते हैं, जिसके बाद उनके मन में लालच आ जाता है। क्या बात है, इसके पास तो जादुई हीरे की मछली है। मुझे एक आइडिया आया है, हमें इस मछली को चोरी कर लेना चाहिए। जब हम इस मछली को काटेंगे तो उसके अंदर से कई सारे हीरे निकल कर बाहर आएंगे। गांव के सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंदन मछली को वापस छोड़ने के लिए समुद्र के पास आ जाता है, लेकिन वहां मछली को पकड़ने के लिए पहले से ही गांव के लोग जाल बिछा रखे होते हैं। जैसे ही चंदन मछली को समुद्र में डालता है, गांव के द्वारा मछली पकड़ी जाती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर उस मछली को काटने लगते हैं। अरे जल्दी जल्दी काटो, इसको काट कर इसके अंदर से कई सारे हीरे निकलेंगे। गांव के सभी लोग उस बेचारी मछली को काट देते हैं, जिसके बाद उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। तभी ये सब चंदन देख लेता है और कहता है, तुम्हारे लालच में बेचारी उस मछली की जान भी चली गई। अरे थोड़ी सी तो अकल लगाई होती, वो हीरे उस जादुई मछली के जादू से आता है, ना कि उसके अंदर से हीरे निकल रहे थे। तुमने तो बेचारी बेजुबान जानवर को मार ही दिया। ऐसा कहकर चंदन वापस अपने घर लौट आता है। चंदन ने पहले से कई सारे हीरे इकट्ठे कर रखे थे, जिसके चलते वो अपना बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करता है और गरीब बेसहारा लोगों की मदद भी करता है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को अपने लालच की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो फिर कभी लालच नहीं करते और ईमानदारी से कमाने लगते हैं।